आज का टॉपिक जो है ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर में हम लोगों ने कंपोनेंट्स को स्टडी किया था, जिसमें कि गैसेस की दो कैटेगरीज थी, एक कांस्टेंट गैसेस और दूसरी वेरिएबल गैसेस। इसमें जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जनरली स्पीकिंग हम ये कहते हैं कि जो एटमोसफेयर का स्ट्रक्चर है दैट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर, कि ये लेयर्स की फॉर्म में है, और वो जो लेयर्स हम आइडेंटिफाई करते हैं उन पे डिफरेंट बेसिस अप्लाई होती। जी मोहम्मद, आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर को स्टार्ट करना है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर का मतलब ये है कि गैसेस और या जो एक ओवरऑल एटमोसफेयर है वो मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स में डिवाइडेड है, सो इसलिए हम इसको लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर का नाम देते हैं। जो लेयर्स हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन कह लें या बेसिस कह लें वो मल्टीपल फैक्टर्स पे और मल्टीपल एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है। नंबर वन, पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस हम देखते हैं वो गैसेस की कंपोजिशन की बेस पे है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एटमोसफेयर को दो ब्रॉड लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। सो बेसिकली एटमोसफेयर अगर अराउंड द अर्थ देखा जाए तो वो यूनिफॉर्मली अर्थ को सराउंड करता है, और इट इज़ हेल्ड बाय द अर्थ ग्रेविटी, क्योंकि जो गैसेस हैं वो मैटर की थर्ड फॉर्म है, और मैटर जो है वो बेसिकली उस चीज़ को कहा जाता है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका वेट हो। जब हम वेट की टर्म यूज़ करते हैं तो वो मास को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि W इज इक्वल टू mg, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेट। सो ग्रेविटी अगर इम्प्लीमेंट हो रही है किसी भी मैटर पे तो वो उसका वेट कहलाएगा। इट एक्सटेंड्स अप टू 10,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द सर्फेस, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। मोर देन 50% ऑफ द टोटल मास इज बिलो 6 किलोमीटर्स। सो जो बाय मास हम कल हम जो बात कर रहे थे कंपोजिशन की, तो उस कंपोजिशन में बाय वॉल्यूम हम परसेंटेजेस देख रहे हैं, ठीक है। तो वो जो हमने यहाँ पे परसेंटेजेस पढ़ी मुख्तलिफ गैसेस की, ये आपने कल टेबल ऑब्जर्व किया होगा। तो इस टेबल में आप देख रहे हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम मेंशन है, लेकिन अब जो आप देख रहे हैं वो बाय मास हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट 6 किलोमीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड जो एटमोस। जी, कल तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या था ये स्पेक्ट्रम तक हमने किया स्पेक्ट्रम हुआ था ना, वहां या वहां तक हमने एंड की हुई थी क्लास ना। नहीं, वो इम्प्योरिटीज तक की थी। मैं आपको 1 मिनट दिखाऊं, ये वाली स्लाइड तक की थी, इस पे भी स्पेक्ट्रम बना था, ठीक है, लेकिन इसमें हमने इम्प्योरिटीज का ये रोल डिस्कस किया था कि इम्प्योरिटीज लो एंगल की सन रेज को कौन से स्पेक्ट्रम को स्कैटर करती हैं और हाई एंगल की सन रेज को किस स्पेक्ट्रम में स्कैटर करती हैं, जी, सॉरी सर। ठीक हो गया। तो बेसिकली जो वैसे हमने जनरली स्पेक्ट्रम पढ़ा था ये वाला, इसमें जो हम बात कर रहे थे, ये वाला जो डायग्राम है इसमें हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है वो बेसिकली इंफ्रा रेड को ऑब्जॉर्ब करती है, ठीक है जी। तो ये एक स्पेक्ट्रम को ये ऑब्जॉर्ब कर रही है स्पेक्ट्रम के एक सर्टन रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को। दूसरी तरफ जो है वो O3 थी, दैट वॉज ऑब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और देखते हैं फैक्टर यहाँ पे ही डिवाइस कर लेंगे, या फिर कल शायद डिस्कस ना हुआ हो, वो ये है कि वाटर वेपर क्या करता है। वाटर वेपर बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर पानी को अपने हाथ पे रखेंगे तो पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, वो आपकी बॉडी से एनर्जी लेना शुरू कर देगा। सो H2O यानी वाटर वेपर, ये हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने का भी केपेबल है, और अगर धूप में पड़ा हुआ पानी
वो धूप को यानी कि सोलर एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने का केपेबल होगा। तो H2O जो है वो थोड़ा वर्सेटाइल है इन द सेंस कि वो लाइट एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, और उसके साथ साथ वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की तरह से हीट एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता। ठीक है, ये एक वाटर वेपर की आप कह सकते हैं कि ज़्यादा ब्रॉड विंडो है ऑफ एब्जॉर्बिंग द एनर्जी फॉर्म्स और द फ्रिक्वेंसीज ऑफ एनर्जीज। तो यहाँ पे अब हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर की, तो हम कह रहे हैं कि वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें बाय वॉल्यूम अगर हम बाय मास अगर हम बात करें तो फिर तो सिंपल बात है कि 50% तक मास जो है यानी कि जो हैवियर गैसेस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह शामिल है, ये बिल्कुल ही 6,000 मीटर्स तक की हाइट की जितनी माउंटेन्स होती है वहाँ तक आपको मिलेगी, और ये 50% ऑफ द टोटल मास बनाती है। ठीक है जी, और बाकी जो है वो आपको मिलेगा अप टू 48% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास जो है वो 16 किलोमीटर्स तक फर्दर मिलता है। बाकी 2% मास, अब वो 2% मास क्या है, वो बहुत ही लाइट वेट गैसेस हैं जो कि अपर एटमोसफेयर को बनाती हैं, वो आपको उससे फर्दर अप टू द लास्ट लिमिट ऑफ एटमोसफेयर मिलेगा। अब यहाँ पे जो आमतौर पे आपने एवरीडे साइंस की किताबों में भी देखा होगा वो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बताया जाता है, जिसमें के ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोपॉज की टर्म्स, स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेटोपॉज की टर्म्स आप लोग पहले से पढ़ते आए होंगे, लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि देर आर एक्चुअली थ्री डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ डिटर्मिनिंग द टाइप्स ऑफ द लेयर्स। ठीक है, अब उसमें सबसे जो पहली मतलब लेयर की टाइप हम कह सकते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन है। आप बेस बना रहे हैं कंपोजिशन को, और आप ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट 80 किलोमीटर्स, ये कल भी डिस्कस हुआ था, फर्स्ट 80 किलोमीटर्स ऑफ एटमोसफेयर दैट इज द लोअर लेयर ऑफ एटमोसफेयर, इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल द गैसेस जो हमने कल कंपोजिशन में पढ़ी थी, यानी 99.9% जो गैसेस थी वो सारी की सारी यहीं पे एग्जिस्ट कर रही थी अप टू द लिमिट ऑफ 80 किलोमीटर्स। इसको हम कहते हैं होमोसफियर। ठीक है, यानी कि सेम कंपोजिशन एज फॉर द मेजोरिटी ऑफ द गैसेस ऑफ एटमोसफियर। 80 किलोमीटर से बियॉन्ड जो लेयर है इसको हेट्रोस्फियर कहते हैं, कि यहाँ की गैसेस डिफरेंट है निचली लेयर से, यानी होमोस्फेयर में रिलेटिवली हैवियर गैसेस है लेकिन हेट्रोस्फियर में लाइट वेट गैसेस है, एंड दैट हेट्रोस्फियर एक्सटेंड्स अप टू 10,000 किलोमीटर्स, ये उस हाइट तक जाता है। अब हेट्रोस्फेयर और होमोस्फेयर ये ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन डिफाइन होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और लेयर्स की टाइप्स है, टाइप है जिसको हम कहते हैं फंक्शन बेस्ड लेयर्स। फंक्शन बेस्ड लेयर्स उनको कहा जाता है जिसमें कोई सर्टन टाइप की गैस जो है वो दैट विल बी एक्चुअली परफॉर्मिंग अ फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें आपको जो लेयर्स मिलेंगी उसमें सबसे निचली लेयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बेशन से एब्जॉर्प्शन ऑफ आया इंफ्रारेड। ठीक है, इसके ऊपर एक आपको और फंक्शन बेस्ड लेयर मिलती है विच इज ओजोन O3, एंड O3 इज बेसिकली केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग यूवी। O3 की लेयर आपको 25 से 35 किलोमीटर की लिमिट में एक्सटेंड करती नजर आएगी, इसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, जिसके ऊपर 80 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर्स रादर आप देखेंगे कि तो ये तकरीबन 250, फिर 350, और 350 के बाद 450 तक
आपको बैंड्स मिलेंगे जिनको हम डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर कहते हैं, और ये बेसिकली आयंस की लेयर है जिनको आयनोस्फीयर कहा जाता है। ये गैसेस वो गैसेस हैं जो लाइट वेट गैसेस थी, लेकिन उनके आयन स्प्लिट इसलिए हुए कि यहाँ पे एक्सट्रीमली जो मतलब आप कह सकते हैं इंटेंस एनर्जी है, जैसे कि एक्सरेज हैं, गामा रेज है और कॉस्मिक रेज है, ये रेज यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रही होती हैं, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं उनकी आयन्स स्प्लिट हो जाते हैं। मीन्स के मॉलिक्यूल्स जब स्प्लिट होते हैं तो वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज मिलेंगे। इस लेयर को हम नाम देते हैं आयनोस्फीयर। अब ये वो सारी लेयर्स हैं जो कि मुख्तलिफ फॉर्म की या मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। इस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का इफेक्ट टेम्परेचर के मुख्तलिफ सॉरी एटमोसफेयर के मुख्तलिफ हिस्सों के टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। सो जो फंक्शन बेस्ड लेयर्स हैं वही हाइट के साथ टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन को रिप्रेजेंट करती हैं या इवन वो कॉज करती हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आप ऑब्जर्व करें कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 80 किलोमीटर्स जो कि होमोस्फेयर का है, तो ये एक थिन सी लाइन आपको इधर नज़र आ रही है। दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री ऑफ होमोस्फीयर एंड द हेट्रोस्फीयर, ठीक है। 80 किलोमीटर्स। अब उस 80 किलोमीटर्स में फर्स्ट 12 किलोमीटर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको तीन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमोसफेयर मिलते हैं। उसमें सबसे पहली बात CO2, दूसरा H2O वाटर वेपर, और तीसरा डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स भी इससे ऊपर नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन जो फंक्शन परफॉर्म करने वाली लेयर है विच इज द ग्रीन हाउस गैसेस, अब देखिए इसको हम GHGs कहेंगे, और ओजोनोस्फीयर ऑलरेडी मेंशन्ड है, ओजोन लेयर O3 की लेयर, वो 80 किलोमीटर्स के अंदर ही है, लेकिन कहाँ पे 25 to 35 किलोमीटर की रेंज में आमतौर पे ये मिलती है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, जैसे ही हम एटमॉस्फेयर में एलिवेशन गेन करते हैं तो हाइट के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। इस डिक्रीज को हम कहते हैं लैप्स रेट, और लैप्स ऑफ द टेम्परेचर, और जिस रेट या जिस क्वांटिटी में ये डिक्रीज करता है वो आपके सामने यहाँ मेंशन है कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप हाइट गेन करेंगे टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, हाइट के साथ डिक्रीज करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, लेकिन जैसे जैसे हम राइज करते गए एलिवेशन गेन करते गए टेम्परेचर माइनस में चला गया। अब ये रेट कितना है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर और 1 किलोमीटर। अब बेसिकली ये कैसे कॉज हुआ, ये डिक्रीज कैसे कॉज हुई, इसके पीछे तीन वजूहात हैं, तीन कॉजेज आप कह सकते हैं। नंबर वन, जो हमारी अर्थ है इट इज नॉट और सॉरी द एटमोसफेयर इट इज नॉट हीटेड डायरेक्टली बाय द सनलाइट, दो के जहाँ पे ये आयनोस्फीयर है वहाँ पे जो कि सोलर एनर्जी जो कि इंटेंस किस्म की है वो अब्जॉर्ब हो रही है, तब आयंस में स्प्लिटिंग हो रही है, तो इसको कहेंगे कि दिस इज बीइंग हीटेड फ्रॉम अबव, ठीक है। इसकी समझ आती है कि ये सोलर एनर्जी से हीट अप हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर भी बाहर से आने वाली एनर्जी सोलर एनर्जी से हीट अप हो रही है क्योंकि यहाँ पे यूवी को एब्जॉर्ब किया गया, तो इधर हमने ऑब्जर्व किया कि यूवी एब्जॉर्ब हुई। यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक्स रेज और
हमारे ये सब जॉब हो रही है तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा और ये एटमोसफेयर का पोर्शन हीट अप होगा। लेकिन जब हम इधर ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं और इस लेयर की बात करते हैं तो ये सनलाइट से हीट अप नहीं होती, रादर सनलाइट पहले ग्राउंड सरफेस को हीट अप करती है। वो शॉर्ट वेव एनर्जी जो सोलर लाइट के तौर पे या सनलाइट के तौर पे ग्राउंड पे पहुंच रही है, उसने ग्राउंड लेवल टेम्परेचर्स इंक्रीज करने हैं, जिसको हम हीट एनर्जी कहेंगे। वो हीट एनर्जी जब ग्राउंड से रिलीज होती है, इट इज रिलीज इनटू द एटमोसफेयर, वो एक लॉन्ग वेव एनर्जी के तौर पे रिलीज होती है, जिसको हम आईआर का नाम देते हैं। सो पहला प्रोसेस तो यही शुरू हो जाता है कि ग्राउंड सरफेस जब हीट अप होती है तो ग्राउंड की हीटिंग के साथ ही उस हॉट सरफेस के साथ जो एयर मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आएंगे वो थ्रू कंडक्शन, यानी कंडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट एमिटिंग बॉडी और हीट रिसीविंग बॉडी जो है वो कांटेक्ट में हो। यानी अगर आप एक गर्म प्लेट पे हाथ रख देंगे तो थ्रू टच आपको वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, ये कंडक्शन के प्रोसेस से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। सो अगर ऐसे प्रोसेस से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो उसको कंडक्शन कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि लोअर एटमोसफेयर इज बीइंग हीटेड फ्रॉम बिलो रादर देन द अबव, तो ये ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से हीट अप हो रहा है। एटमोसफेयर का लोअर पोर्शन, जमीन इसको हीट अप करती है, दो के वो इनडायरेक्ट है कि पहले उसने सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है और फिर उस हीट अपने टेम्परेचर बढ़ा के उस एनर्जी को एयर में ट्रांसफर कर देना है। सो जितना आप हाइट पे जाएंगे यू विल बी मूविंग अवे फ्रॉम दिस हीट सोर्स, टेम्परेचर कम होगा। दूसरा फैक्टर, जितना आप हाइट पे ऊपर जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशंस कम होंगी और टेम्परेचर कम होगा। लेकिन जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल फैक्टर है कि जब आप हाइट गेन करेंगे तो हाइट के साथ साथ प्रेशर में कमी आएगी, तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, दैट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप। आप अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर उसके साथ इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज होने से टेम्परेचर डिक्रीज करता है। सो ये एक फैक्ट जो है वो यहाँ पे अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं प्रेशर की कमी होती है और प्रेशर की कमी के साथ टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है। सो अल्टीमेटली जो एक सर्टन रेट पर किलोमीटर कैलकुलेट होता है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अगर हम इसी एवरेज को कंसिडर कर लें तो जो फर्स्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर है विच इज अराउंड 12 किलोमीटर एवरेज, ठीक है जी, 12 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, ये वो लेयर है जिसके अंदर क्लाउड्स बनेंगे, जिसके अंदर डस्ट जो है वो लाइट को स्कैटर करेगी तो आसमान का रंग बनेगा, और उसके साथ साथ जितने भी वेदर फिनोमेना है, चाहे विंड्स का चलना हो, चाहे वो मतलब क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो, रेनफॉल हो, सबके सब इस 12 किलोमीटर के लेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इस लेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तो इस लेयर को हम नाम देते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की हाइट प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। पोलर एरियाज पे चूंकि हवाएं ठंडी होती हैं और हवा की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो पोलर एरियाज पे इस लेयर की हाइट सिर्फ 8 किलोमीटर तक है। इक्वेटोरियल एरियाज पे चूंकि हवा गर्म होती है तो वहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड है और तकरीबन 16 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड कर जाता है। एवरेज अगर आप निकालते हैं तो 8 प्लस 16 वुड बी 24, तो इसको आपने डिवाइड 2 से कर दिया तो ये होगा 24/2 विच इज इक्वल टू 12। सो 12 किलोमीटर इसकी एक एवरेज हाइट निकलती है। 12 किलोमीटर तक टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ डिक्रीज करता जाता है।
ठीक है, दो फैक्टर्स सेकेंडरी हैं, एक कंडक्शन वाला, दूसरा ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन वाला, लेकिन जो एक यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल फैक्टर है दैट इज द डिक्रीज ऑफ प्रेशर। सो प्रेशर डिक्रीज का इफेक्ट हमें 12 किलोमीटर तक मिलता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद ये जो -60 के करीब टेम्परेचर है, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब टेम्परेचर थोड़ा सा स्टेबल हुआ, ठीक है, और स्टेबल होने के बाद फिर इसमें इंक्रीज आई। अब इस इंक्रीज का कॉज कौन बना? यहाँ पे ओजोन जो है वो इसका कॉज बन रही है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अब्जॉर्ब हुई। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के साथ ओजोन जो है वो हीट अप होती है, और वो इस पूरी लेयर को हीट अप कर देती है। सो फर्स्ट लेयर को हमने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज द ट्रोपोस्फियर, लेकिन जो बाउंड्री है ट्रोपोस्फियर की, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज से ऊपर टेम्परेचर माइनस ये 60 तक पहुंचा हुआ था, इट इज इंक्रीजिंग एंड गोइंग अप टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव हो रहा है एट द हाइट ऑफ 52 किलोमीटर्स। सो कहाँ पे हम 12 किलोमीटर पे थे, अब ये 52 किलोमीटर है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ड्रा हुआ है। सो 12 किलोमीटर से 52 किलोमीटर की हाइट तक टेम्परेचर में एक इंक्रीज ऑब्जर्व होती है, यानी कहाँ टेम्परेचर -60 पर ड्रॉप हो गया था, पॉजिटिव के ये 20 से आप देख रहे हैं, यहाँ से 15 से कह लें, एवरेज 15 है, 15 से ये -63 तक ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ -63 से इसने 0 पे वापस आना है, इतनी इसमें इंक्रीज हो रही है। और इसकी इंक्रीज का कॉज कौन सी एनर्जी बन रही है? दैट इज द एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि ओजोन में एब्जॉर्ब हुई थी। जब हम 52 किलोमीटर की हाइट तक पहुंच जाते हैं, तो ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर था दैट विल कम टू अ पॉज, ब्रेक आ जाएगा, और इसको हम दूसरी लेयर की बाउंड्री की लेयर कहते हैं, विच इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। सो जिस एक लेयर के अंदर टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज कर रहा है, उसके लिए टर्म यूज हो रही है स्ट्रेटोस्फियर। सो जो फर्स्ट लेयर आपने आइडेंटिफाई की दैट वाज द ट्रोपो स्फीयर, इट इज अ स्फीयर ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर विद हाइट। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, इट इज द स्फीयर और द लेयर ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर विद हाइट, इट गोज फ्रॉम 12 to 52 किलोमीटर्स। उसके कंपैरिजन में ट्रोपोस्फियर 0 to 12 किलोमीटर्स। अब मजीद आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक लेयर आती है विच इज कॉल्ड मीजोस्फियर, दैट मेक्स द अपर लिमिट और अपर बाउंड्री और अपर लेयर ऑफ होमोस्फियर। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 52 किलोमीटर्स to 80 किलोमीटर्स। ये दोनों बाउंड्रीज को इंसाइड करती नजर आती हैं, जिसको आप मीजोस्फीयर की बाउंड्री भी कहेंगे और होमोस्फीयर की बाउंड्री भी कहेंगे। अब मीजोस्फीयर के अंदर आप जो टेम्परेचर का पैटर्न देख रहे हैं दैट इज अगेन द डिक्रीज। यहाँ से ये होमोस्फीयर ऑलरेडी मेंशनड है, और यहाँ से अब टेम्परेचर जो है दिस इज डिक्रीजिंग, और इस डिक्रीज की वजह कौन बन रहा है? वही प्रेशर जो कम हो रहा था, दैट इज द कॉज ऑफ द डिक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन मीजोस्फेयर एक और पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, एंड दैट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द गैसेस फ्रॉम मेटराइटिक एक्टिविटी। ठीक है जी, बेसिकली दिस इज द स्टार्ट ऑफ थिक एटमोसफेयर। ऊपर जितना भी एटमोसफेयर है वो बहुत लाइट है, सो जितने भी स्पेस से आने वाला कोई डबरी है, कोई रॉक फ्रैगमेंट्स है, जिनको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, तो जब तक वो स्पेस में होते हैं तो उनको हम नाम देते हैं कि वो एस्ट्रॉयड्स हैं। तो एस्ट्रॉयड्स तो वो होते हैं जो कि स्टार लाइक है एंड दे आर इन द स्पेस।
ठीक है, दीज आर एक्चुअली द रॉक फ्रैगमेंट्स जिनके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, तो ये सितारों की तरह से आपको नजर आते हैं। सो अगर ये एंटिटीज जमीन के एटमॉस्फेयर से बाहर है और स्पेस में है, तो इनको हम एस्ट्रॉयड कहते हैं, स्टार लाइक, एस्टर स्टार का वर्ड है। जैसे ही ये किसी प्लैनेट या जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाएंगे, तो गैसेस की फ्रिक्शन जो है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स द प्लैनेट, तो गैसेस की जो फ्रिक्शन है वो उनको बर्न करना शुरू कर देती है। सो इनिशियल ये जो 9,000 किलोमीटर है अपर एटमॉस्फेयर के, इसमें जब ये गुजरेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान जो इनको नाम दिया जाएगा वो मीटियोर का है। जो मीटियोर का वर्ड है ये मेट्रोलॉजी में भी यूज़ होता है। तो मीटियोर बेसिकली इज द वर्ड इन लैटिन लैंग्वेज विच मीन्स एयर। सो मीटियोर का मतलब ये हो गया कि एनीथिंग विच इज़ इन द एयर, तो ये हवा से गुजरते हुए आ रहा है, जिसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, शहाबे साकिब भी कहते हैं, टूटता हुआ सितारा कहते हैं। ये बेसिकली एस्टेरॉइड्स हैं जो कि एटमोसफेयर से क्रॉस करके आ रहे होते हैं। इफ़ दिस मीटियोर स्ट्राइक्स द प्लैनेट सरफेस, जैसे कि चांद के ऊपर ऐसी एक्टिविटी है, तो हम इसको कहते हैं मीटियोर राइट। तो मीटराइट वो एंटिटी है विच दैट दैट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, ये हो गया मीटराइट। सो आपको बेसिकली जी, एक्सक्यूज मी सर, सर स्ट्राइक से सरफेस ऑफ अर्थ, अगर ये मून पर स्ट्राइक करता है फिर तो ये मेट्रियर्स नहीं तब होंगे भी ना। मीटराइट ही कहा जाएगा कि वो किसी भी प्लैनेट की सरफेस को या किसी भी बॉडी पे हिट कर रहा है तो वो मीटराइट कहलाएगा। ठीक है, हम कहते हैं कि जो चांद के ऊपर क्रेटर्स हैं वो मीटराइटिक एक्टिविटी की वजह से बने हैं, तो इसलिए वो टर्म जनरली यूज होती है। ठीक है जी, अब इसमें आप देखते हैं कि ये हो गया कि एक प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द मेट्रोटिक एक्टिविटी। सो मीजोस्फेयर में आपको डस्ट मिलती है, और मीजोस्फेयर में डस्ट का बेसिक सोर्स जो है वो स्पेस है, यानी जो स्पेस से अट्रैक्ट होने वाला मटेरियल है वो मीजोस्फेयर में आपको शैटर हुआ हुआ मिलेगा, पार्टिकल्स में डिवाइडेड मिलेगा, और वो डस्ट के तौर पर सस्पेंडेड मिलेगा। सो कई मरतबा रात के वक्त ऐसा होता है कि आसमान में देखने लगता है कि कहीं पे कोई रोशन सा बादल जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे नज़र आ रहा है, तो वो बादल बेसिकली क्लाउड्स जो हैं वो एज सच कोई वाटर वेपर से बने हुए क्लाउड्स नहीं होते, बल्कि वो यही डस्ट होती है जो शाइन कर रही होती है। तो इन क्लाउड्स को नाम दिया जाता है नॉक्टी ल्यूसेंट क्लाउड्स। आपने ऑब्जर्व किया भी होगा कि सनसेट के बाद भी कई मरतबा क्लाउड्स के ऊपर धूप पड़ रही होती है, मतलब ऑन ग्राउंड लेवल अंधेरा हो गया होता है, लेकिन जो ऊंचे क्लाउड्स होते हैं 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की हाइट पे, वो क्लाउड्स जो है वो बेसिकली शाइन कर रहे होते हैं। तो ये क्लाउड्स जो है ये तो इवन जब काफ़ी गहरी रात हो चुकी होती है तब भी ये विजिबल होते हैं। नॉक्टी का मतलब जो है वो नाइट से है, तो नॉक्टी ल्यूसेंट बेसिकली वो क्लाउड्स हैं जो रात के वक्त चमकते हुए नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्लाउड्स बेसिकली इन हाइट्स पे होते हैं, नॉक्टी ल्यूसेंट क्लाउड्स, और बेसिकली ये डस्ट है जो कि मेट्राइटिक डस्ट जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अब 80 किलोमीटर्स तक जब हम पहुंच जाते हैं तो डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो है वो रुक जाता है, उसमें एक ब्रेक आती है, पॉज आता है, तो इस पॉज की बाउंड्री को हम नाम देते हैं मीजोपॉज। ठीक है, सो आपने देखा स्ट्रेटोस्फेयर था तो उसका पॉज स्ट्रेटोपॉज, उसकी बाउंड्री स्ट्रेटोस्फेयर था तो उसका स्ट्रेटोपॉज बाउंड्री, मीजोस्फेयर आपने देखा तो अब मीजोस्फेयर की बाउंड्री आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली द मीजोपॉज। ठीक है जी, ये क्लियर है। यस सर, ओके, मीजोपॉज के बाद जब हम अपर एटमॉस्फेयर में आते हैं, जहाँ पे ये ओरोरा का वर्ड लिखा हुआ है,
ओरोरा मीन्स लाइट्स, ठीक है। सो इसके दो वर्ड्स आपको मिलेंगे, ओरोरा बोरियालिस, बोरियालिस मीन्स नॉर्थ, बोरियल, और ओरोरा ऑस्ट्रालिस, ऑस्ट्रालिस मीन्स साउथ, ऑस्ट्रेलिया से ध्यान में रखिएगा। तो ये सदर्न पोल और नॉर्दर्न पोल पे आने वाली लाइट्स हैं जो कि नॉर्दर्न लाइट्स कहलाती हैं या ओरोरास कहलाती है। ये लाइट्स बेसिकली किस तरह से फॉर्म हुई कि बहुत इंटेंस एनर्जीज जो यहाँ पे पहुँच रही थी उन्होंने स्प्लिट अप कर देना होता है मॉलिक्यूल्स को गैसेस के, और वो एनर्जीज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं गैस, मतलब इन गैसेस को हीट अप करने में, हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है या लाइट एनर्जी में हो जाती है। यानी अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि लाइट एनर्जी आई थी तो वो री रेडिएट की सूरत में हुई है इंफ्रारेड में। सो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम था VL, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम, वो कन्वर्ट हो गया इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। ओजोन आपको ब्लूइश कलर देती हुई मिलेगी। उसकी वजह क्या है कि इसमें जो चीज़ है वो ये है कि इसको इसको मिलने वाली एनर्जी होगी यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी यहाँ पे मिलेगी, और उसके बाद वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो जो हीट यहाँ पे थी उसमें हम कह सकते हैं कि ब्लू कलर का एक स्पेसिफिक प्लस हीट, इसमें कन्वर्जन हो रही होती है री रेडिएशन में, ठीक है। अब यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे यूवी से भी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की एनर्जीज है जिसमें आप कह सकते हैं कि एक्स रेज है, गामा रेज है, बार बार एक बार डिस्कस हो रहा है, लेकिन कन्वर्जन किस में हो जाएगी, कन्वर्जन हो जाएगी लाइट के स्पेक्ट्रम्स में और हीट में। ठीक है, जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वो हीट की वजह से कर रहा है, जो यहाँ पे लाइट्स एमिट हो रही हैं वो री रेडिएशन ही है एक सेंस में, ज्यादा इंटेंस एनर्जीज की। सो ओरोरास जो बेसिकली हैं नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स इनको कहा जाता है, और क्योंकि ये आयंस हैं, आयन का मतलब होता है कि दे हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक एटम जो होता है वो एक बिल्कुल न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ चार्ज, वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स हैं और उतनी ही तादाद में प्रोटॉन्स होते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स हैं। सो ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं चार्जेस को, यानी ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। लेकिन अगर एक एटम के शेल में से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए तो प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होने से वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो जाए शेल में, एडिशनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, जिसके लिए एनायन और कैटाइन का टर्म यूज होती है। एनायन और कैटाइन, एनोड रेज और कैथोड रेज में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, लेकिन यहाँ पे हम इसको आयन का वर्ड यूज करते हैं विच इज चार्ज पार्टिकल, ठीक है जी। सो ये आयनोस्फीयर बेसिकली वो चार्ज पार्टिकल्स हैं या गैसेस के वो मॉलिक्यूल्स हैं जो स्प्लिट अप हो गए, ठीक है। ये हो गया जी आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर। यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पे इसको थोड़ा सा और रिव्यू कर लीजिए कि आपके सामने ये सी लेवल है, उसके अलावा प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर आ गई, और फिर आप ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोपॉज की बाउंड्रीज को देख रहे हैं किस कॉन्टेक्स्ट में, कि पैराशूट जंपिंग कहाँ से हो सकती है, नेक्रियस क्लाउड्स हैं, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स हैं, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स वो डस्ट के क्लाउड्स हैं, ठीक है। नेक्रियस क्लाउड्स हैं ये बहुत हाई क्लाउड्स हैं, 12 किलोमीटर के आसपास के क्लाउड्स हैं, ओजोन लेयर है, मीटियोराइटिक एक्टिविटी है, उसके ऊपर ये पोलर लाइट्स हैं। तो पोलर लाइट्स जो हैं ये अब 200 किलोमीटर की हाइट से या 250 किलोमीटर की हाइट से शुरू हो जाती हैं, एंड दे गो अप टू 450। उसके बाद 1000 किलोमीटर्स पे एक्सोस्फियर यानी आउटर बाउंड्री कंसिडर की जाती है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में एक्सोस्फियर 10,000 किलोमीटर पे मेंशन किया जाता है। सो आयनोस्फियर व्हाट इज इट एक्चुअली,
इट इज अ कंडक्टिंग लेयर इन एटमोसफेयर दैट कैन रिफ्लेक्ट रेडियो सिग्नल्स. अब बेसिकली रेडियो कम्युनिकेशन जब की जा रही होती है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन की जा रही होती है, तो रेडियो सिग्नल जो है वो लॉन्ग वेव एनर्जी है. और आयनोस्फीयर चूंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो अगर हम सिग्नलिंग कर रहे हैं और ट्रांसमीटर ग्राउंड बेस्ड है और रिसीवर ग्राउंड बेस्ड है, तो आप देख सकते हैं कि आयनोस्फीयर जो है वो इस सिग्नल को बाउंस बैक करवा रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड कम्युनिकेशन बेहतर होगी. लेकिन अगर हम कहें कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसी होगी, तो सैटेलाइट चूंकि ज़्यादा हाइट पे होती है, 1500 किलोमीटर की हाइट पे होती है, तो उस तक जो सिग्नल जाने हैं उसमें आयनोस्फीयर रुकावट बनता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में फेड आउट्स होते हैं या ब्लैक आउट्स होते हैं. फेड आउट का मतलब है फेडिंग साउंड्स होंगी, फेड आउट होना, या फिर ब्लैक आउट्स होते हैं, बिल्कुल ही आवाज़ बंद हो जाती है, सिग्नल ब्रेक हो जाता है. और ड्यूरिंग द डे टाइम आइनोस्फेयर एग्जिस्ट करता है, जब सूरज की रोशनी वहाँ पे आइंस में उसको स्प्रेड कर रही होती है. नाइट टाइम में ये नहीं होता है, इसलिए नाइट टाइम में जो है सेटेलाइट कम्युनिकेशन बेहतर होती है, दिन के टाइम कम होती है. लेकिन आइनोस्फेयर हमें क्या कह रहा है, एक तो ये चले ठीक है कि ये रिफ्लेक्ट करता है रेडियो सिग्नल्स को, लेकिन इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द डेंजरस रेडिएशन. इट इज़ द क्लोजेस्ट नेचुरल प्लाज्मा, 0.01 आयनाइज प्लाज्मा फ्रॉम 70 to 1500 किलोमीटर्स मैंशनड है. लेकिन इसके जो मैक्सिमम बैंड्स मिलते हैं, जो हमने जिनको नाम दिया जाता है वैन एलन बेल्ट्स, और ये डी लेयर से लेकर एफ लेयर तक आइडेंटिफाई किए जाते हैं, यानी कि मल्टीपल लेयर्स हैं विद इंटरवल ऑफ से 100 किलोमीटर्स ईच. ठीक है, यहाँ पे ये आयनोस्फीयर है और ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बेसिकली आयन किसको कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टाइम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज एन आयन, इसको याद रखिएगा. और ये फिनोमेना है जो कि रात के वक्त नॉर्दर्न एरियाज में आसमानों पे डांसिंग लाइट्स की सूरत में, ओरोरास की सूरत में नजर आता है. इसको कहते हैं ओरोरा बोरियालिस या नॉर्दर्न लाइट्स. जी, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, टॉपिक कवर हो गया है. जी, वैसे नहीं, पोलर लाइट से नहीं कहा जाता है, जी, एरोरा बोरियलिस और एरोरा बोरियालिस ऑस्ट्रेलिया। जो है वो स्पेसिफिकली नॉर्दर्न है, ऑस्ट्रेलिस जो है वो साउथ पोल पे होती है. जी अच्छा सर, ये आपने ये बताया था विजिबल लाइट जो है आईआर में कन्वर्ट हो जाती है, ये कैसे हो जाती है जैसे ये सनरेज है, इनको? सनरेज विजिबल लाइट है, लेकिन जब वो किसी सरफेस पे पड़ेंगी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो जो टेम्परेचर वो इंफ्रारेड बन जाएगी. मतलब जो नीचे सरफेस तक जो हीट पहुंचती है, जो अर्थ को वार्म अप करती है, वो इंफ्रारेड होती है। नहीं, बेसिकली सनरेज है यानी कि लाइट एनर्जी आती है, उसके बाद ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता है. अब अगर तो ज़मीन उस सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करवा रही है, फिर तो शॉर्ट वेव के तौर पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. ठीक है, कि जैसे वाइट कलर की सरफेस है तो उसके ऊपर धूप पड़ रही है, तो वो वाइट सरफेस उसको उसी रेडिएशन को सेम फ्रिक्वेंसी में वापस भेज देगी, या जैसे मिरर से होता. ठीक है, लेकिन अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो रिलीज हो रही है, तो फिर वो फ्रिक्वेंसी चेंज करके रिलीज होगी, वो लेसर फ्रिक्वेंसी में रिलीज होगी, यानी कि लाइट एनर्जी के तौर पे आएगी और इन्फ्रारेड के तौर पे वापस आएगी. तो हम उसके लिए रिफ्लेक्शन का वर्ड यूज़ नहीं करते, हम उसके लिए री रेडिएशन का वर्ड यूज़ करते हैं. सर ये री रेडिएशन क्यों होती है? यानी जैसे सोलर एनर्जी को या धूप को ज़मीन ने एब्जॉर्ब किया, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ गया, अब ज़मीन ने हीट रिलीज़ करना शुरू की, तो रिलीज़ ऑफ हीट जो है वो री रेडिएशन कहलाएगी. ठीक अच्छा सही सर, थैंक यू सर। है, चलिए, ओके. अब ये